हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है फंड बाजार का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और दोस्तों, लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाया था, दैट वाज पार्ट वन, कि फंड बाजार लाइट आप किस तरह ओपन कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन पे मैं इसका लिंक ऐड कर दूंगा, और दूसरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक ऐड कर दूंगा, ताकि आप इस वीडियो को फर्स्ट देखें, उसके बाद ये फंड बाजार का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाला वीडियो बाद में देखें दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम फंड बाजार का अकाउंट कंप्लीट प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो में बताया था, दैट वाज फंड बाजार लाइट अकाउंट। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि फंड बाजार लाइट अकाउंट ओपन करने में सिर्फ 5 मिनट लगता है, ठीक है। और इस फंड बाजार लाइट अकाउंट ओपन करने के लिए ना ही आपको चेक चेक की जरूरत होगी, ना ही बैंक प्रूफ की जरूरत होगी, ना ही कोई डिक्लेरेशन देना होगा, और ना ही कोई सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा दोस्तों। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जो भी आपको जिसको भी फंड बाजार लाइट अकाउंट ओपन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। वो लिंक पर क्लिक कीजिए, आपका नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर ऐड कीजिए दोस्तों। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी का ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी यहाँ डालिए। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, मोबाइल नंबर का ओटीपी यहाँ पर ऐड कीजिए और आगे बढ़िए दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद नेक्स्ट पेज ये आएगा, जहां पर आपको आपका पैन नंबर डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि आपका अगर केवाईसी हो चुका है तो केवाईसी से ऑटोमेटिकली ये डिटेल फेच कर लेगा और आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। देखिए, आपका नाम, फिर उसके बाद में आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपका एनुअल इनकम डालना होगा और आपका ऑक्यूपेशन ऐड करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में डिटेल हमने डिस्कशन किया हुआ है हमारे फर्स्ट वाले वीडियो में, दैट इज फंड बाजार लाइट अकाउंट दोस्तों। तो उसको पहला देखिए और उसके बाद में ये वाला वीडियो देखिए दोस्तों। तो जैसे ही आप ये काम करते हो, देखिए यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा और कुछ डिटेल्स को यहाँ पर आपको फिल कंप्लीट करना है। इट टेक्स हार्डली 1 मिनट, और जैसे ही आप ये कंप्लीट करते हो, आपका फंड बाजार लाइट अकाउंट ओपन हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, इसको पूरा कंप्लीट करने का पर्पस ये है दोस्तों कि अगर आप फंड बाजार लाइट अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ सिर्फ आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, अगर वो इन्वेस्टमेंट आपको लेकर आना है और फिर स्विच करना है किसी और म्यूचुअल फंड में, आपको डालना है स्कीम में, या फिर आपको रिडेम्पशन करना है, तो वो सारा चीजें आप कर सकते हो फंड बाजार लाइट अकाउंट में। लेकिन अगर आपको नया इन्वेस्टमेंट करना है, नया एसआईपी स्टार्ट करना है, तो ये सारे पर्पस के लिए आपको आपका जो फंड बाजार लाइट अकाउंट है उसको फुल्ली कंप्लीट करना होगा। तो कंप्लीट करने का प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है, इट हार्डली टेक्स 2-3 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। तो यहाँ आप देखोगे दोस्तों कि आपको माय अकाउंट में जाके देखना है। सबसे पहले आपको फंड बाजार में लॉगिन करना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पर आपको माय अकाउंट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जैसे ही माय अकाउंट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, देखिए आपका फंड बाजार लाइट अकाउंट ओपन हो चुका है दोस्तों, ठीक है, एक्टिवेटेड हो चुका है। बट अब आपको इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट फंड बाजार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पर एडिट बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप एडिट बटन पे क्लिक करते हो, सबसे पहले आपको ये पूछेगा कि आप नॉमिनी इसमें रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो। अगर आप नहीं रखना चाहते हो दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपको क्लिक क्लिक करना होगा, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि आप नॉमिनी अपॉइंट नहीं करना चाहते हो। अगर आप नॉमिनी अपॉइंट करना चाहते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको नॉमिनी का यहाँ पर नाम डालना होगा, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, और नॉमिनी के साथ में आपका रिलेशन क्या है वो आपको मेंशन करना होगा। अगर नॉमिनी का पैन नंबर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, इट इज नॉट कंपलसरी, इट इज ऑप्शनल, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ पर नॉमिनी का परसेंटेज दिया हुआ है। तो व्हाट इज दिस नॉमिनी परसेंटेज एक्चुअली दोस्तों? तो सपोज अगर मैं किसी को नॉमिनी अपॉइंट करता हूँ दोस्तों, तो फ्यूचर में कल कुछ हो जाता है किसी को सपोज, तो उसका जो भी म्यूचुअल फंड होगा वो सारा का सारा उसके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन कितना ट्रांसफर होगा? 100% ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो दो नॉमिनी को भी अपॉइंट कर सकते हो।
आप दो नॉमिनी को जब अपॉइंट करोगे तो फिर आपके पास में ऑप्शन आएगा कि दोनों नॉमिनी को आप कितना परसेंटेज देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल नॉमिनी वन को आप 60% देना चाहते हो तो नॉमिनी टू के पास में ऑटोमेटिकली 40% आएगा। अगर आप चाहते हो कि नॉमिनी वन एंड नॉमिनी टू को 50-50% देना चाहते हो तो आपको वहां मेंशन करना होगा 50 और सेकंड वाले को भी मेंशन करना होगा 50। ठीक है दोस्तों, तो नॉमिनी अपॉइंट करना बहुत कंपलसरी है, अपॉइंट कीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और नॉमिनी आप जब यहाँ पर एंटर कर रहे हो सारा डिटेल, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो कंफर्मेशन के लिए आपके पास में ओटीपी आएगा। ठीक है, ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे आएगा और दोनों जगह पे ओटीपी सेम होगा, चाहे आप ईमेल आईडी का ओटीपी लीजिए या मोबाइल का लीजिए सेम होगा। बस यहाँ पर आपको ओटीपी एंटर करना है और कंफर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं आपका नॉमिनी अपॉइंट हो जाता है। तो जब कभी भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करोगे लमसम या एसआईपी तो ऑटोमेटिकली वो फोलियो के अंदर आपका नॉमिनी रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो आपको बार बार नॉमिनी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, ये वन टाइम प्रोसेस है दोस्तों। जैसे ही आपका नॉमिनी का काम हो जाता है दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आपको लमसम करना है तो एसआईपी करना है तो आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी चीजों को अपलोड नहीं करना है। लेट अस कंसिडर वो ईयर कि आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका पासबुक या आपका चेक आपको लेना है और चेक के ऊपर देखो आईएफसी कोड लिखा होगा। ठीक है, तो आईएफसी कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपका बैंक का नाम आ जाएगा, फिर आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डालना है। यहाँ पर आपने डाला, फिर से कंफर्म करने के लिए आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है और वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हो तो केवाईसी आपने किया होगा तो वहां पर आपका बैंक का डिटेल ऑटोमेटिकली वो फेच करेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा कैम्स के वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अब कैम्स के वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको सबसे पहला क्या करना होगा, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख कर आ रहा है तो डालने की जरूरत नहीं, अगर नहीं लिख कर आ रहा है तो यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे आपको ओटीपी रिसीव हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जैसे ही आपको आपका मोबाइल नंबर ओटीपी रिसीव हो जाता है मोबाइल पे, यहाँ कंफर्म पे क्लिक कीजिए, फिर ये नेक्स्ट पेज पे आपको लेकर आ जाएगा। यहाँ बता देगा कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स का क्या है, माइकर कोड क्या है, ब्रांच कौन सा है, सिटी कौन सा है, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। आपका नाम भी लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखो करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, अगर नहीं फेच करता है तो आप मैन्युअली भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पर फेच करना। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कैम्स वेरीफाई करेगा, सिर्फ आपको आईएफएससी कोड डालना है, आपका बैंक अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म पे क्लिक करना है, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद कंफर्म करोगे, ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली कैम्स के वेबसाइट से फेच हो जाएगा दोस्तों। और जैसे ही हो जाएगा आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, आपका जो अकाउंट है फंड बाजार कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इज इट क्लियर? नाउ यू आर रेडी टू डू एसआईपी लमसम। एसआईपी करने के लिए आपको मैंडेट करना होगा, तो मैंडेट के लिए हम एक और वीडियो बना देंगे और एक और वीडियो हम बनाएंगे कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट अलग अलग ब्रोकर्स के पास किया होगा या फिर आपने एएमसी के पास में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया होगा अलग 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 जगह पे, और वो सारे इन्वेस्टमेंट आप फंड बाजार के प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हो, ठीक है, तो वो सारा प्रोसेस भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे दोस्तों। तो प्रोसेस काफी सिंपल है दोस्तों, फंड बाजार लाइट अकाउंट करने से लेके ये आपका फंड बाजार का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इट हार्डली टेक्स 10 मिनट। ठीक है, हमने दो पार्ट में वीडियो बना दिया क्योंकि अगर मैं वीडियो एक ही में बनाता तो काफी लंबा हो जाता था, इसके लिए मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया कि लाइट अकाउंट कैसे ओपन करना है और उसी अकाउंट को आपको एडिट करके कंप्लीट कैसे करना है, इट हार्डली टेक्स 10 मिनट ओनली। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कुछ अगर क्वेरी होती है आप लोग को तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी आप लिख लीजिए, हम आपको रिप्लाई ऑन द स्पॉट दे देंगे। थैंक यू सो मच।